नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। खेमेबाजी की सुर्खियों के बीच राजस्थान भाजपा ने विधानसभा चुनाव के एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। एक एक विधानसभा सीट के लिए एक एक बूथ की मैपिंग चल रही है। सबसे ज्यादा फोकस ओवरऑल विधानसभा सीट की बजाय हर बूथ को मजबूत करने पर है। बूथ मैनेजमेंट के लिए करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने के काम को पार्टी ने लगभग पूरा कर लिया। इन 10 लाख लोगों का एक ही मिशन रहेगा कि वोटिंग के दिन हर मतदाता को बूथ तक लेकर आना है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा का प्लान पिछले दिनों दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यसमिति में निकला है। झालावाड़ में भारतीय किसान संघ तहसील पचपहाड़ की बैठक तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी में हुई। विगत 4 दिनों से लगातार क्षेत्र में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की सभी फसलें नष्ट हो चुकी है। वहीं प्रांतीय उपाध्याय रघुनाथ सिंह ने बताया कि पिछले खरीफ की फसल भी किसानों के लिए पूर्ण नष्ट हो चुकी थी। वो भी जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। विद्युत प्रफुल्ल बालू सिंह चौहान ने बताया कि यदि समय रहते किसानों की बीमा और मुआवजा मांग नहीं मानी तो आंदोलन करना पड़ेगा। भारतीय किसान संघ अगली रणनीति बनाकर जिले पर बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। जोधपुर में अज्ञात चोर 70,000 रुपए कैश और 3 स्मार्टफोन चुरा कर ले गए। सुबह पड़ोसियों को पता चला तो उन्होंने दुकान मालिक को सूचना दी। इसके बाद दुकान पहुंचे तो गले में रखे रुपए और स्मार्टफोन गायब थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सुनील साकला ने बताया कि बुधवार रात 9:30 बजे दुकान मंगल कर गया था। सुबह 7:30 बजे पड़ोसियों ने फोन कर दुकान में चोरी की सूचना दी। दुकान का सामान भी बिखरा हुआ था। इसके बाद अंदर जाकर चेक किया तो गले में रखे लगभग 70,000 रुपए गायब थे। आबू रोड के सांडेराव गांव में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत केंद्रीय बाल श्रम बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष शिषपाल सिंह निम्बाड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी को विस्तार से बताया। उन्होंने स्थानीय जन समस्याओं को सुनकर अधिकारियों से तत्काल उनके समाधान के लिए कहा। इस अवसर पर सुमेरपुर के पार्षद सैतान कुमार, सरपंच दाकू देवी, बंसीलाल गर्ग सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर चौमो पुरोहितान के समीप निजी बस व सवारी जीप की जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें 1.5 दर्जन लोग घायल हुए।
वहीं एक जने की मौके पर मौत हो गई। सड़क हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची रिंगस थाना पुलिस ने एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सीआई हिम्मत सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में 1.5 दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें से 11 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे का शिकार हुए लोग खाटू श्याम जी दर्शन करने को आए थे। कोलायत में राज्य की नौकरी में 90% से 100% आरक्षण देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में दौड़ लगाने की घोषणा कर चुके बहरोड विधायक बलजीत यादव ने कोलायत विधानसभा मुख्यालय पर दौड़ लगाई। शुक्रवार को जज्जू चौराहे से दौड़ शुरू कर मुख्य बाजार बैंक रोड होते हुए अम्बेडकर सर्किल दौड़ लगाई। बलजीत यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 200 विधानसभा मुख्यालय पर दौड़ लगाकर सो रही सरकार को जगाने व लोगों को जागरूक कर प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाए, 5,00,000 पदों पर शीघ्र भर्ती निकाली जाए। जिस लेवल की परीक्षा है उस लेवल का प्रश्न पत्र बनाए और पेपर लीक के मामले में जो दोषी है उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। चंदेरी में ललितपुर उत्तर प्रदेश से घूमने आए 7 लोगों में से 2 लोग राजघाट नदी पर पार्टी पर रुकने का प्लान बनाया। बाकी के 5 लोगों के कहने पर पहले चंदेरी घूमाते हैं फिर बाद में इकट्ठा नहाते हैं। उन लोगों द्वारा कहा गया कि आप लोग घूमकर आए चंदेरी, हम आपको यहीं मिलेंगे। तभी 5 दोस्त चंदेरी घूमने लगे और देर शाम जब वो 2 लोग नहीं आए तो उन्होंने काफी देर तक फोन लगाया। उन्होंने जानकारी दी कि एनडीआरएफ की टीम को भी दी, तब तक वहीं पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद तलाश करने पर दोनों व्यक्तियों की लाश कुछ समय बाद मिल गई है। उन लोगों द्वारा कहा गया कि आप लोग घूमकर आए चंदेरी, हम आपको यहीं मिलेंगे। तभी 5 दोस्त चंदेरी घूमने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं, उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता।